ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदर्श एकेडमी। दोस्तों, आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो आपका चैप्टर चल रहा है उसका ये पार्ट नंबर 3 है और मैथ कोर्स के अंतर्गत आपका पार्ट नंबर 7 है। हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है मैथ का, ए टू जेड सभी चैप्टर को हम कवर करा रहे हैं और सभी एग्जाम के लिए, जैसे SSC, पुलिस, UPSI, BSI, रेलवे, UP TET या किसी अन्य एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा उसको प्रेस करके, और आने वाली वीडियोज की आपको सूचना मिलती रहेगी और सभी क्लासेस के साथ अपडेट रहेंगे। तो जितने भी मैथ के चैप्टर हैं सब कंप्लीट कराए जा रहे हैं, अब तक 6 क्लासेस हो चुके हैं, आज आपका 7वां क्लास है। तो डेली बेसिस पे क्लासेस देखा करिए, जो लोग पुराने क्लासेस को नहीं देखे हैं यानी 6 क्लासेस को नहीं देखे हैं उनको देख लें, तभी जाके आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस को करते हैं। तो कल जहां से मैंने खत्म किया था वहीं से हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अभी तक हम क्या करते थे, हमारे पास पता होता था पी बराबर कुछ दिया होता था, आर परसेंट बराबर कुछ दिया होता था, टाइम दिया होता था, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना होता था और हमें अमाउंट ज्ञात करना होता था, या फिर हमें अमाउंट दिया होता था। मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके से। मान लीजिए आर परसेंट दिया होता था 16/2/3%, टाइम दिया होता था मान लीजिए 2 ईयर 2 वर्ष, या फिर मान लीजिए 3 ईयर भी दे सकता है, जो भी दिया हो। ठीक है, अमाउंट दिया था 4500, ठीक है, ये रुपये में है। ये मान लीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन है, और हम क्या करते थे इसमें, हम करते थे कि सबसे पहले हम क्या करते थे 16/2/3% करते थे, इसका मान क्या होता है 1/6 होता है। हमने माना कि जो ये प्राइमरी जो अमाउंट है यानी प्रिंसिपल अमाउंट है यानी मूलधन है वो 6 रहा होगा, तो 6 का 16/2/3% कितना होता है, 1 होता है। अगर आप 6 का 16/2/3% निकालें तो आपको पता चलेगा 16/2/3% का मान कितना होता है 1/6, तो 6 × 6, 6 से 6 कट जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा। यानी अगर मूलधन 6 रहा होगा तो 6 का 16/2/3% कितना आएगा 1 आएगा। यानी कि जो हम मान निकालते थे वो इस तरीके से निकालते थे, चूंकि 2 साल का रहा चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज की दर हमेशा इक्वल होती है। तो पहले साल अगर 6 रहा होगा तो दूसरे साल कितना हो जाएगा, 6 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज, तो 7 रुपये। दूसरे साल भी सेम ब्याज की दर होती है, तो अगर 6 रुपये रहा होगा तो दूसरे साल भी कितना हो जाएगा, तो 6 रुपये पर 16/2/3% का ब्याज यानी 1 रुपये, तो वो भी कितना हो जाएगा 7। यानी कितना हो गया, 6 × 6 = 36, अनुपात 7/49, क्योंकि कुछ कट नहीं रहा है। इसको हम मानते थे प्रिंसिपल अमाउंट और इसको मानते थे अमाउंट, यानी ये होता था आपका मूलधन और ये होता था आपका मिश्रधन, और इनके बीच का जो अंतर आता था वो आता था CI। लेकिन अगर यहीं पर एक स्टेप थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं और अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 2 वर्ष, अभी हम 2 वर्ष के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं। ठीक है, 3 वर्ष को हटा दीजिए, अभी हम 3 वर्ष को नहीं मान रहे, हम सिर्फ 2 वर्ष के अकॉर्डिंग मान रहे हैं। तो अगर 2 वर्ष दिया होता क्वेश्चन में और हम देख रहे हैं कि 2 वर्ष देने पर, चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज की दर समान होती है, तो पहले बार में भी उतना हम 6 और 7 ले रहे हैं, दूसरे बार में भी हम 6 7 ले रहे हैं। यानी कि हम ये भी तो कह सकते हैं कि हम यहाँ पर इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, इसको 36 भी करेंगे तो भी आपको वही मिलेगा। हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि 6² = 7² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब है 6² और 7² हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 वर्ष दिया होता तो हम 3 बार जाते हैं, 3 बार क्या करते, हम करते पहली बार में करते 6 से 7 हुआ, फिर 6 रहता जो ब्याज आता वो 1 रुपया होता तो 7 रुपये, फिर जो मूलधन होता तीसरे वर्ष में वो मान लीजिए 6 रहता तो उस पर भी 6 रुपये पर 16/2/3% ब्याज यानी 1 रुपये का ब्याज, तो वो भी हो जाता है मिश्रधन 7। तो ये पहले वर्ष का हो जाता, ये दूसरे ईयर का हो जाता और ये तीसरे ईयर का हो जाता। तो अब यहाँ पर क्या होता, ये 6² ना होकर के कितना हो जाता, 6³ हो जाता। क्या हो जाता, 6³ हो जाता और ये 7³ हो जाता। तो अगर आप ध्यान से देखें कि जब 3 वर्ष हो रहा है तो यहाँ पर 6³ हो जा रहा है, जब 2 वर्ष हो रहा है तो 6² हो जा रहा है। यानी ये जो मान होंगे ये स्क्वायर में आएंगे, यानी समय कितना होगा, 2 वर्ष का होगा। अगर ये क्यूब में आएंगे इसका मतलब समय कितने वर्ष का होगा, 3 वर्ष का होगा। अब वो जो 1 वर्ष 4 दिन होते हैं वो सबको हटा दीजिए, अब हम केवल 3 वर्ष और 4 वर्ष या 2 वर्ष दिया हो एग्जैक्ट, तो हम बता रहे हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व होता है। तो अगर यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट का क्यूब आता है तो वहाँ पर 3 वर्ष होता है, अगर मिश्रधन अमाउंट में भी वही क्यूब आता तो भी 3 वर्ष होता है। ठीक है, अगर स्क्वायर आता तो आपका 2 वर्ष होता। इतना समझ में आ गया, इसी तरीके से हम कर रहे थे। अब एक नए तरीके के हम फॉर्मेट पर चल रहे हैं और हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन में कैसे सॉल्व होगा। अभी तक आपसे CI पूछता था, प्रिंसिपल अमाउंट पूछता था या अमाउंट पूछता था, यानी चक्रवृद्धि ब्याज
मूलधन या मिश्रधन पूछता था, लेकिन अब आपसे दर परसेंट पूछेगा, यानी आर परसेंट पूछेगा। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले क्वेश्चन को समझिए, दूसरे क्वेश्चन को आप क्लास वर्क के रूप में करिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ हिंदी में, कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में अपने आप का, एक मिनट, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहां पर आप देख सकते हैं ध्यान से। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है, तो आपको दर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दर ज्ञात करना है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई ज्यादा ट्रिक नहीं है, पहले समझ लीजिए पहला क्वेश्चन, फिर आपको समझ में आएगा। क्या कह रहा है, यदि कोई धन, मान लेते हैं वो धन रहा हो एक, अगर वो धन एक रहा होगा तो कितने वर्षों में, कह रहा है कि 2 वर्षों में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है, यानी 1.44 गुना कितने वर्ष में, तो एक वर्ष में, सॉरी 2 वर्ष में, कितने वर्ष में, 2 वर्ष, क्वेश्चन में कह रहा है। हम मान लेते हैं, लेट अज्यूम दैट, कि वो अमाउंट एक रहा होगा, एक मानने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक मानिए तो बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती है, या आप 100 मान लीजिए, तो हमने माना एक, तो 2 वर्ष में वो अपने आप का एक का कितना गुना हो गया, 1.44 गुना। तो आपको दर ज्ञात करनी है, यानी आपको आर परसेंट ज्ञात करनी है। अगर 2 वर्ष में 1.44 होता है, तो पहले तो दशमलव को हटाइए, दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, ठीक है, तो अपने आप दशमलव हट जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 100 लिख दीजिए नीचे बटा, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। यानी कि अगर आप लिखना चाहें तो एक, ये 2 वर्ष में 144 बटा 100 आ गया, ठीक है। अब आपको चूंकि पता है, मैंने बताया था कि ये अनुपात में होता है, अनुपात में लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि पहले वर्ष में इतना भाग तो दूसरे वर्ष में इतना भाग, इस तरीके से। तो अगर मान लीजिए कि ये एक रहा होगा और 144 बटा 100 है, तो आप 100 को हटाने के लिए ये भी कर सकते हैं कि यहाँ भी 100 का गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 100 का गुणा कर दीजिए, या अनुपात में होता तो 100 इधर भेज सकते हैं, चलिए हम गुणा कर देते हैं, तो ये कट गया, यानी कितना आ गया, 100 अनुपात 144, और ये कितने समय में, तो 2 वर्ष में, ठीक है, समझ में आया क्या हो रहा है, पहले कंडीशन में ये हुआ, दूसरे कंडीशन में ये हुआ, तीसरे कंडीशन में ये हुआ। अब आप यहाँ पर समझिए कि अगर 100 से 144 हो रहा है, क्या हो रहा है, 100 से 144 कितने समय में, 2 वर्ष में, तो मैंने बताया है कुछ देर पहले ही कि अगर 2 वर्ष कह रहा हो और अगर आपको 1 वर्ष लिखना हो इसको, तो आप ये कर सकते हैं कि 100 √144 √, और ये कितने समय में, अब ये हो जाएगा आपका 1 वर्ष में, ठीक है, यानी प्रत्येक 1 वर्ष में अब ये अंडर रूट में आ जाएगा। इसको आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 10 √144 कितने में होता है, तो ये 12 का होता है। अब ये आ गया आपका 1 वर्ष का मान। अब चूंकि ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है और ये आपका अमाउंट है, यानी ये मूलधन है और ये आपका मिश्रधन है, तो इनके बीच का जो अंतर होगा वही तो आपका ब्याज आएगा। क्या आएगा, ब्याज आएगा, तो इनके बीच का अंतर कितना आया, ब्याज आ गया 2, ठीक है। अब यहां पर अगर आप समझिए कि अगर ब्याज यहां पर 2 आ गया, तो आपसे कह रहा है कि आपको दर ज्ञात करनी है, यानी मूलधन कितना है, 10 रुपए पर 2 रुपए का ब्याज आया, तभी तो 12 रुपए हुए, यानी 10 रुपए पर 2 रुपए का ब्याज। अब इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करिए, गुणे 100 कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा और ये आ गया आपका 20% दर, और यही आपका आंसर है। समझ में आया क्या किए हैं, समझ में आया होगा, हमने कुछ नहीं किया, हमने पहले लिखा, कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में अपने आप का 144 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात करनी है। 2 वर्ष में 1.44 गुना हो रहा है, माना वो धन एक था, तो 2 वर्ष कह रहा है, तो हम पहले दशमलव को हटा देते हैं, दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, बटा 100 कर दीजिए, दशमलव अपने आप हट जाता है, ठीक है, जितने अंक पर दशमलव होता है उतना 0 नीचे लगाकर 1 लिख दीजिए, तो ये आपका 144 बटा 100 हो गया, चूंकि हमें 100 हटाना है, बटे में हटाना है, तो हम 100 का गुणा यहाँ कर दिया, 100 का गुणा हमने यहाँ कर दिया। अगर हमने 100 100 का गुणा कर दिया, फिर हमने देखा कि हमें 2 वर्ष दिया हुआ है, 2 वर्ष हटाने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट करने पर 2 वर्ष हट जाएगा, यानी 1 वर्ष पर कितना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर मान लीजिए कि
छः सात दिया हो, तो ये क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो जब 2 वर्ष बोलेगा तो 2 बार आएगा ना, 1 बार 2 बार, तो स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से हमने इसको इसको चेंज करने की कोशिश की, तो 1 वर्ष करने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे, यानी स्क्वायर हटा देंगे ऊपर से। तो ये 10 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर हटा दिए, स्क्वायर हटा दिए, तो ये 10 का रूट होता है और ये 12 का रूट होता है। तो 10 और 12 आ गया, बीच का अंतर क्या हो गया, ब्याज बराबर 2। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपसे दर परसेंट पूछ रहा है, यानी 10 रुपये पर कितना ब्याज आया, 10 रुपये पर 2 रुपये का ब्याज आया। तो अगर इसको परसेंट निकालना है तो गुणे 100 करेंगे तो आ जाएगा आपका 20% आंसर। चलिए परेशान मत होइए, अगला क्वेश्चन भी इसी पे आधारित मैं करा दे रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यह है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में अपने आप का 2.25 गुना हो जाता है तो आपको दर प्रतिशत ज्ञात करनी है। वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, दो पार्ट में मान लीजिए ऐसे हम बना दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कि वो अमाउंट 1 रहा होगा, तो अगर वो अमाउंट 1 रहा होगा तो ये कितने समय में, 2 वर्ष में, क्या कह रहा है, 2 वर्ष में कितना हो गया, 2.25। दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए आप क्या करेंगे, 225/100 कर देंगे, ठीक है। ये आपका आ गया 2 वर्ष में, ठीक है, अनुपाते में। तो 225, अब 100 हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा कर दीजिए इधर उधर, ठीक है, या इसको उधर भेज दीजिए, तो ये आ गया आपका 100 और ये आ गया 225। ये कितने समय में आया, 2 वर्ष में। तो अगर 1 वर्ष मैं बोलूँ, 1 वर्ष, तो ये कितने का, ये 100 जो है ये कितने का स्क्वायर है, 225 कितने का स्क्वायर है। तो अगर आप देखें तो ये 10 का स्क्वायर है और ये 225 जो है ये आपका 15 का स्क्वायर है। आ गया अमाउंट 1 वर्ष में 10 से 15। अगर इनके बीच का डिफरेंस देखें, अगर ब्याज की बात करें तो ब्याज कितना आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है और ये आपका अमाउंट होता है, यानी ये मूलधन होता है और ये मिश्रधन होता है। तो 10 रुपये अगर मूलधन रहा होगा तो 5 रुपये का ब्याज होगा, तभी तो मिश्रधन 15 प्राप्त होगा। तो इसका मतलब कि अगर आपको दर प्रतिशत निकालनी है तो 10 रुपये पर 5 रुपये का ब्याज है, तो दर प्रतिशत निकालनी है परसेंट में तो 100 का गुणा कर दीजिए, अगर 0 से 0 कटेगा तो 5 दहियम 50, ये परसेंट आपका आंसर आ गया, दर प्रतिशत यानी कि R%, ये आपका गया 50%। समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और मैं करा दे रहा हूँ इसी पे आधारित, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 27 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 64 रुपये हो जाता है तो दर प्रतिशत बताइए। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, 10 10 दर प्रतिशत पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रुपये 27 रहा होता, अगर कुछ नहीं दिया होता है और 64 बोलता, तो हम 1 मान के चलते, और वो कितने समय में, 3 वर्षों में, ठीक है, 3 वर्षों में। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ये 1 ना होकर के 27 है, क्वेश्चन में ही कह रहा है कि 27 रुपये पर, तो ये कितना है, 27 है। 27 का कितना हो रहा है, 64 हो रहा है। 27 का अगर 64 हो रहा है, यानी कि अगर हम 1 वर्ष की बात करेंगे, 1 वर्ष की, चूंकि दशमलव नहीं दिया है, इस दशमलव में नहीं दिया है, इसलिए हमको बटा 100 करने की जरूरत नहीं है। जब दशमलव में होता है तो अपने आसानी के लिए हम क्या करते हैं, बटा 100 करके काट पीट के उसको बिना दशमलव के एक साधारण नंबर रख लेते हैं। तो अगर 1 वर्ष की बात करेंगे तो 1 वर्ष के आधार पर अगर आप देखें तो ये 27 का मतलब कितना हो गया, 3 * 9 = 27, यानी 3 का क्यूब, और ये 64 का मतलब है, मतलब आप 3 वर्ष ही मान लीजिए, 3 वर्ष ही लिखते हैं, तो ये 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 64 को कितना लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं आप 4 का क्यूब। तो 3 वर्ष में 3 का क्यूब, 4 वर्ष में 3 वर्ष में 4 का क्यूब, यानी कि अगर हम 1 वर्ष की बात करेंगे तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में हो जाएगा 3 और 4, यानी ये क्यूब हट जाता है, ठीक है। तो 3 और 4 हो गया 1 वर्ष में, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस आया, उनके बीच का डिफरेंस कितना आया, 1 आया, कितना आया, 1 आया ब्याज, ब्याज कितना मिला, 1, क्योंकि ये प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन है और ये आपका अमाउंट है यानी मिश्रधन है। तो 3 से 4 कब बना होगा, जब 1 रुपये का ब्याज रहा होगा, तो 3 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज, चूंकि हमको दर प्रतिशत में निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे
तो ये कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 33 सही, 1/3%। वैसे भी हमको पता है कि 1/3 बराबर 33 सही 1/3% होता ही है, तो 100 का गुणा करिए या ना करिए मान पता होगा, तो आप ट्रिक से लगा सकते हैं। तो उत्तर कितना आ गया? 33 सही 1/3%। आई होप समझ में आया होगा। अब ये थोड़ा सा अलग तरीके का है, जब दर प्रतिशत पूछे तो हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन भी यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं। अब देखिए चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि 72 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 98 रुपये हो जाता है तो दर प्रतिशत ज्ञात करिए। अगर दर भी लिखा हो तब भी याद रखिएगा दर प्रतिशत ही होगा, ठीक है। ऐसा कोई बड़ा ट्रिक नहीं है, ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए अभी क्वेश्चन को क्या करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 72 रुपये से 98 रुपये हो रहा है, कब? 2 वर्षों में। तो अगर आप इस तरीके से दो पार्ट में, चलिए हम सॉल्व करते हैं। 72 रुपये रहा होगा तो 72 से 98 कितने दिनों में हुआ? तो ये हुआ 2 वर्षों में। मैंने आपको बताया 2 वर्ष कह रहा है, यानी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 72 और 98 का कोई स्क्वायर तो होता नहीं है, मतलब 72 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसको छोटा कर लेते हैं। अगर आप इसको काटें तो 2 से काटें तो ये आपका जाएगा 36 टाइम और ये जाएगा आपका 49 टाइम, ठीक है। ये कितने समय में आ गया? 2 वर्ष में। अब 36 और 49 तो होता है, हमें पता है 36 किसका स्क्वायर होता है, तो 36 होता है 6 × 36 यानी 6 का स्क्वायर होता है, और 49 कितने का होता है? तो 7 का स्क्वायर होता है। ये कितने समय में है? 2 वर्ष में। तो 1 वर्ष की अगर हम बात करेंगे तो प्रत्येक 1 वर्ष में कितना होगा? प्रत्येक 1 वर्ष में 6 और 7 होगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारा सी आई होता है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? इनके बीच का डिफरेंस है 1। तो 6 रुपये मूलधन पर 1 रुपया ब्याज हुआ, तभी तो मिश्रधन 7 मिला। तो 6 रुपये पर ब्याज कितना मिला? 1। और हमें दर प्रतिशत निकालनी है, तो दर कितना होता है? ब्याज बटे मूलधन जो होता है, ठीक है, और गुणे 100, क्योंकि दर प्रतिशत है। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे, वैसे भी 1/6 का मान हमें पहले से पता होता है, 1/6 हमेशा ही होता है, 16 सही 2/3%। फिर भी अगर आप इसको गुणा भाग करके काटे पीटेंगे तो यही आएगा, ठीक है। 16 × 98 और 2 आपका 100, ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है, 48 और 2 50, 50/3 कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो ये आपका उत्तर आ गया, 16 सही 2/3% आपका आर प्रतिशत आ गया, दर प्रतिशत आ गया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हो गया। अब चलिए पढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ ₹1,24,2400 एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 1,45,800 इन 3 ईयर फाइंड रेट, यानी आपको दर प्रतिशत ज्ञात करनी है। अब कह रहा है कि जो मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, यदि 1,24,000 यानी 1,02,400 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 1,45,800 रुपये हो जाता है तो दर प्रतिशत ज्ञात करिए। कोई ट्रिक नहीं है, बहुत आसान है। क्या कह रहा है? 1,02,400 कितना हो जा रहा है? ये हो जा रहा है 1,45,800 कितने समय में? तो ये हो रहा है 3 वर्ष में। अब 3 वर्ष में दिया है चूँकि बड़ा है, ये किसी का जो है इस क्यूब तो होता नहीं है, क्योंकि 3 वर्ष कह रहा है तो क्यूब में निकालना पड़ेगा, ये भी किसी का क्यूब नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, जो कटने लायक होता है उसको काट देते हैं। जैसे 2 जीरो यहाँ पर कट गया, 2 जीरो यहाँ पर कट गया, ठीक है। और इसके अलावा इसको भी अगर आप काटेंगे, ठीक है, इसको भी आप काटेंगे तो आपको जो मान मिलेगा वो मिलेगा 512 और 729। छोटा करिएगा तो आपको 512 और 729 मिलेगा, ठीक है। 2 से काटिएगा तो आपको यही मिलेगा। जैसे 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 2 और 2 × 2 = 4, इस तरीके से इसको भी काटेंगे 1458 को, तो 729 मिलेगा 2 से भाग देने पर। तो ये कितना आया? 3 वर्ष में 512 और 729, हमने छोटा किया और कुछ नहीं किया। अब 512 और 729 जो है क्यूब में अगर हम चेंज करें तो हमको पता है कि 8 का जो क्यूब होता है वो 512 होता है और 9 का जो क्यूब होता है ये 729 होता है। और ये कितने समय में? तो 3 वर्ष में। तो अगर ये 3 वर्ष में है तो अगर हम 1 वर्ष की बात करें, यानी प्रत्येक 1 वर्ष में हम बात करें, तो प्रत्येक 1 वर्ष में 8 से 9 हुआ होगा, ठीक है। तभी तो 3 वर्ष में 512 से 729 यानी 1,24,2400 से 1,45,800 हुआ। तो इसका मतलब इनके बीच का डिफरेंस अगर आप देखें, इनके बीच का अंतर अगर आप देखें, तो इनके बीच का जो अंतर मिल रहा है वो हमें कितना मिल रहा है?
वो हमें एक मिल रहा है। तो अगर अंतर हमें एक मिल रहा है तो अगर हमको दर प्रतिशत निकालनी है तो मूलधन कितना था? 8 रुपये। 8 रुपये पर ब्याज कितना हुआ? 1 रुपये। तो आप 100 का गुणा कर लीजिए, 1/8 100 का गुणा करिएगा तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 12.2%। वैसे भी 1/8 का मान 12.2% होता ही है, ठीक है। तो 100 का गुणा करिए या ना करिए, परसेंट निकालने के लिए सीधा रख सकते हैं क्योंकि शुरुआत में मैंने यही चीज़ अच्छे से समझाया पढ़ाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई धन 2 वर्षों में 8,000 रुपये और वही धन 5 वर्षों में 27,000 रुपये हो जाता है तो दर प्रतिशत ज्ञात करिए। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक है, इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इसको समझ गए तो फिर दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है कि यदि कोई धन 2 वर्षों में 8,000 रुपये और वही धन 5 वर्षों में 27,000 रुपये हो जाता है। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन को देखें, मान लेते हैं कि वो धन हमारा क्या रहा होगा, वो धन हमारा पी रहा होगा। मान लेते हैं वो अमाउंट पी रहा होगा तो पी जो है ये 2 वर्ष में कितना हो रहा है? 2 वर्ष में ये 8,000 हो रहा है। लेकिन यही 5 वर्ष में कितना हो रहा है? 5 वर्ष की बात करें तो 5 वर्ष में ये हो जा रहा है आपका 27,000 रुपये, ठीक है। समझ में आ रहा है? सिंपल कह रहा है कि पी कोई धन है, मान लेते हैं यदि कोई धन है जो 2 वर्ष में 8,000 हो रहा है और वही धन यानी वही पी 5 वर्ष में 27,000 रुपये हो जा रहा है। अब आपको मान निकालना है, बहुत आसान है, क्योंकि टोटल समय कितना है? 5 वर्ष है। 5 वर्ष में 2 वर्ष निकल जा रहा है तो 5 वर्ष से अगर 2 वर्ष निकाल दे तो कितना बचा? 3 वर्ष। यानी कि 8,000 से 27,000 होने के लिए कितना समय लगा होगा? 3 वर्ष का समय लगा होगा, ठीक है। तभी तो हमें 2 वर्ष, जैसे अगर मान लीजिए कोई धन एक्स रहा हो वो 2 वर्ष में 8,000 हुआ और वही एक्स 5 वर्ष में 27,000 हो रहा है, ठीक है। तो 8,000 से 27,000 होने में कितना समय लगा होगा? 3 वर्ष ही तो लगा होगा, तो इसमें कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है, ठीक है, 3 वर्ष ही लगा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमको पता चल गया कि 8,000 से 27,000 होने में कितना समय लगा? 3 वर्ष का। अब आप सॉल्व कर लीजिए, अगर 8,000 होने से 27,000 होने में 3 वर्ष का समय लगा तो 1 वर्ष का समय निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जैसे 3 जीरो यहाँ पर कटने लायक था तो इसको काट दीजिए, ये 3 जीरो कट गया, ये 3 जीरो कट गया, अब कितना आया? 8 और 27, तो 8 किसका क्यूब होता है? तो 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, 8 जो है ये 2 का क्यूब होता है, और 27 जो है किसका क्यूब होता है? 27 होता है 3 का क्यूब। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर आप लिखें 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष के अकॉर्डिंग अगर हम माने तो 1 वर्ष में 2 होगा और ये 3 होगा, ये 1 वर्ष में निकला मान, ठीक है। यानी कि इनके बीच का डिफरेंस कितना आया? इनके बीच का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो इनके बीच का अंतर 1 आया। तो आपसे दर प्रतिशत पूछ रहा है, तो यानी कि 2 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज मिला तभी तो 3 हुआ। तो इसका मतलब 1/2 × 100, वैसे भी 1/2 का मान 50% होता है लेकिन 100 करके भी निकाल सकते हैं, तो 50% आपका आंसर आ गया, क्योंकि आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा ब्याज की दर इक्वल होती है, तो इसलिए आपका हमेशा ब्याज एक ही आएगा, तो इसलिए हमेशा उत्तर जो है आपका 50% ही आएगा। तो ब्याज की दर दोनों वर्षों में 50% ही रही होगी, ठीक है, जो रेट रहा होगा वो 50% ही रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, कोई ट्रिक नहीं था, हमें दर प्रतिशत निकालना था, हमें 2 वर्ष के बाद का पता है, 5 वर्ष के बाद का पता है, तो यानी दोनों अमाउंट के बीच 3 वर्ष का डिफरेंस रहा होगा, ठीक है, तो इसलिए आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए सातवां क्वेश्चन देख लीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है 4% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 625 रुपये कितने वर्ष में 676 रुपये हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दर प्रतिशत दिया हुआ है 4%, आर परसेंट बराबर कितना दिया है? 4%। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई अमाउंट शुरुआत में 625 था, बाद में कितना हो गया? 676। तो कितने समय में, आपसे टाइम पूछ रहा है, यानी कोई 625 रुपये कितने समय में 676 हो गया 4% की दर के साथ, ठीक है, कितने समय में, तो आपको बताना है, ठीक है। अब आपसे टाइम पूछ रहा है, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे उसको समझ लीजिए। एक लाइन का है ट्रिक, एक लाइन का ट्रिक है, समझ लीजिए। कितना कह रहा है? 625 रुपये से कितना हो रहा है? 625 से हो रहा है 676, 625 से कितना हो रहा है? 676। अब इसको देखिए, स्क्वायर हो रहा है या क्यूब हो रहा है, तो 625 को अगर आप देखें तो 25 का स्क्वायर होता है और 676 कितना होता है? 26 का
स्क्वायर होता है। अब देखिए स्क्वायर क्यूब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत फेमस ये 25 का स्क्वायर हमेशा पता होना चाहिए, 26 का, ये कुछ फेमस स्क्वायर और क्यूब होते हैं जिनको पता होना चाहिए। तो कितना आ रहा है, स्क्वायर स्क्वायर आ रहा है। मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही, जब क्यूब होता है 3 वर्ष होता है तो हम क्यूब करने की कोशिश करते हैं, स्क्वायर होता है तो हम स्क्वायर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर में मान आया है, यानी टाइम कितना होगा, टाइम 2 वर्ष ही तो होगा, 2 वर्ष में ही तो ये 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर यहाँ पर बन रहा है। यानी समय कितना लगा होगा, 625 से 676 होने में कितना समय लगा होगा, 2 वर्ष का समय लगा होगा, ठीक है। वर्ग हो रहा होगा यानी समय 2 वर्ष होगा। अगर यहीं पर क्यूब बनता, अगर यहाँ पर मान लीजिए क्यूब बनता तो समय कितना लगता, 3 वर्ष का। चलिए उसी पे बेस अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन भी उसी तरीके से है कि 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये कितने समय में 882 हो जाता है। यानी दर प्रतिशत 5 वर्ष है, 5% है, और अमाउंट जो है प्रिंसिपल अमाउंट वो 800 है, और आपका जो अमाउंट है यानी मिश्र धन है वो 882 है। तो इनके बीच कितना समय लगा होगा ये मान प्राप्त करने के लिए। तो चलिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। 800 से कितना हुआ, 800 से हुआ 882। 800 से 882 कब हुआ होगा, क्योंकि बड़ा अमाउंट मतलब ये मान दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम छोटा कर लेते हैं। तो 800 से 882 हो रहा है, इसको छोटा करिए तो ये आपका हो जाएगा 400, ठीक है, 2 से भाग दीजिएगा 400 हो जाएगा, और उससे छोटा ये हो जाएगा आपका 441। अब 400 को देखिए तो ये आपका 20 का स्क्वायर होता है, और 441 कितने का स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर स्क्वायर है, यानी कितना समय लगा होगा, तो टाइम बराबर 2 वर्ष का समय लगा होगा, ठीक है, वर्ग हो रहा ना, तो इसलिए 2 वर्ष का समय लगा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नौवां क्वेश्चन। आज थोड़ी क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, नौवां क्वेश्चन देख लीजिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि वार्षिक रूप से संयोजित, मतलब वार्षिक रूप से बना हुआ 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपये की धनराशि 13,310 रुपये हो जाएगी। आपसे कह रहा है कि आर प्रतिशत 10% है, और वार्षिक रूप से यानी प्रत्येक साल कितने समय में 10,000 रुपये 13,310 होगा, कितना रुपया, 10,000, कितना हो जा रहा है, 13,310 हो रहा है, ठीक है। अब 10,000 से 13,310, अब स्क्वायर या क्यूब में चेंज करना होगा, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो हम क्या करेंगे, पहले जो कटने लायक उसको काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, तो ये आ गया आपका 1,000, और ये आ गया 1,331। तो अगर आपने स्क्वायर और क्यूब पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 1,000 जो है ये 10 का क्यूब होता है, और 1,331 जो है ये आपका 11 का क्यूब होता है। अब आप ध्यान से देखें कि 10 का क्यूब 11 का क्यूब बना, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इनके बीच का जो समय आ रहा है वो 3 वर्ष का आ रहा है, क्योंकि क्यूब हो रहा है तो समय ही तो पूछ रहा है आपसे, समय पूछ रहा है तो कितना आ गया, 3 वर्ष, क्योंकि क्यूब बन रहा है, तो क्यूब बनने पर क्या होगा, 3 वर्ष का समय लगेगा। चलिए ये तो वार्षिक रूप से पूछ रहा है, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना है यहाँ पर क्या करना है, 13, 3, 10। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको दे दिया जाए तो आप काट पीट के समय बोलेंगे, टाइम बराबर 3 वर्ष निकल जाएगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कह रहा है अर्धवार्षिक रूप से, पहले वाले क्वेश्चन में वार्षिक रूप से था, यहाँ पर देखिए वार्षिक रूप से लिखा है, लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है अर्धवार्षिक रूप से, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अर्धवार्षिक रूप से, तो अर्धवार्षिक कह रहा है यानी लास्ट में जो समय आएगा 3 वर्ष, उसमें आपको 2 का भाग देना पड़ेगा, तभी अर्धवार्षिक रूप से आएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। क्यों, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से बोल रहा है यानी जो समय आ रहा है वो आपका 1/1/2 आ रहा है, ठीक है, 3 वर्ष आएगा तो आपको क्या कर, क्योंकि ब्याज की दर जो है वो 6 माह 6 माह 6 माह करके 3 बार जाएगा, इसलिए 3 वर्ष के आधार पर करने के लिए, मान निकालने के लिए 2 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो अगर 3 वर्ष आ रहा है तो 3 वर्ष आने पर 2 का भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1.5 वर्ष, 1/1/2 वर्ष, यही आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, पहले वाले क्वेश्चन में जो आपने मान निकाला था, ठीक है, उसी मान में 2 कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1/1/2 वर्ष, क्योंकि यहाँ पर वार्षिक है लेकिन उसमें अर्धवार्षिक है, ठीक है, इस क्वेश्चन में अर्धवार्षिक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन देखिए। अब 11वें क्वेश्चन को समझना है, 11वें क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से आपको बताऊंगा,
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाता है, तो वही धन अपने आप का 64 गुना होने में कितना समय लेगा। पहले कंडीशन में कह रहा है कि 7 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो रहा है कोई धन, तो वो 64 गुना होने पर कितना समय लेगा। सेम धन है, यानी पहली बार में कोई धन मान लीजिए 1 रहा होगा, वो 4 हो रहा है कितने समय में, 7 वर्ष में। तो 7 वर्ष में 4 हो रहा है, तो कितनी बार जाएगा ये, फिर 4 बार, फिर 4 बार, फिर 1 बार, फिर 1 बार, इस तरीके से। तब ना 4 चौके 16 चौके 64 आया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपका 1 हो गया गुणा करने पर, और ये 4 चौके 16 चौके 64 आ गया, ठीक है। तो कितना समय लगा, 7 वर्ष यहाँ पर भी, 7 वर्ष सेम यहाँ पर भी लगेगा, 7 वर्ष यहाँ पर भी सेम लगेगा, क्योंकि शुरू में ही कह रहा है कि कोई धन अपने चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो रहा है। 1 रुपया मान लीजिए है, और वो 7 वर्षों में 4 गुना यानी 1 रुपया 4 रुपया हो रहा है, तो दूसरे बार भी साथ ही वर्ष में 1 रुपया 4 रुपये के बराबर होगा, 7 वर्ष में ही 1 रुपया 4 रुपये के फिर गुना हो जाएगा। तो यानी 64 रुपये हुआ कितने समय में, तो 7 वर्ष प्लस 7 वर्ष प्लस 7 वर्ष यानी कि 7 प्लस 7 प्लस 7 यानी 21 वर्ष में। पहला तरीका तो ये हो गया। चलिए दूसरे तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी तरीका आपको समझ में आ जाए वो तरीका आपको याद कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है, समझ जाना है अच्छे से, उसके बाद याद कर लेना है, रट जाना है। पहले समझ लेना है उसके बाद ही याद करना, रटना है। दूसरा तरीका ये है, सेकंड रूल, कि कोई अमाउंट 1 रुपया मान लीजिए रहा होगा, वो कितने वर्ष में हो रहा है, तो 7 वर्ष में 4 गुना हो रहा है। तो 4 गुना 7 वर्ष में हो रहा है, तो अगले सात वर्ष में कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अगले सात वर्ष में 4 का क्यूब हो जाएगा, तभी तो ये 4 का क्यूब 64 के बराबर आएगा, क्योंकि हम तो देखना है कि वो वही धन अपने आप का 64 गुना कितने समय में हो रहा है। तो 64 गुना करने के लिए पहले बार में 7 वर्ष में 1 का 4 हो रहा है, दूसरे 7 वर्ष में 4 का कितना होगा, 4 स्क्वायर होगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। तीसरे 7 वर्ष में 4 स्क्वायर था, ठीक है, तो वो तीसरे वर्ष में क्या होगा, फिर जो है उतने ही गुना हो जाएगा, तो 4 का फिर कितना हो जाएगा, 4 क्यूब हो जाएगा, ठीक है, यानी 64 हो जाएगा। तो 64 आया कितने समय में, तो 1 7 वर्ष, दूसरा 7 वर्ष, तीसरा 7 वर्ष, यानी 7 प्लस 7 प्लस 7 बराबर 21 वर्ष। समझ में आया, कुछ ज़्यादा ट्रिक नहीं था, ठीक है। अब तीसरा रूल समझ लीजिए, जिसको आप अप्लाई भी करेंगे, मैं उसी से अप्लाई करके बताऊंगा। तीनों रूल समझ लीजिए, ठीक है, तीसरा रूल समझ लीजिए कि कैसे सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड रूल समझिएगा। मान लीजिए कोई 1 रुपया था, वो 7 वर्ष में 4 रुपया हो गया, क्योंकि 4 गुने पर हो रहा है, तो वही धन कितने समय में 64 गुना हो जाएगा, यही पूछ रहा है। अगर आप देखें यहाँ पर 4 के पावर कितना है, अगर यहाँ पर देखें तो 4 के पावर कितना है, 4 के पावर 1 है, लेकिन आपसे कह रहा है कि वही धन कितना हो जा रहा है, वही धन 64 हो जा रहा है। मान लीजिए कुछ अमाउंट था वो कुछ समय में कितना हो जा रहा है, 64 हो जा रहा है। मान लीजिए एक्स अमाउंट था, वही एक्स अमाउंट कुछ समय में 64 हो जा रहा है। मान लीजिए एक ही है, ठीक है, हमने एक ही माना है, शुरू में एक माना है तो एक ही मानकर चलेंगे, एक कितना हो जा रहा है, 64 हो जा रहा है। तो 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 64 को आप 4 का क्यूब तो लिख सकते हैं ना, 4 का क्या लिख सकते हैं, क्यूब लिख सकते हैं। अगर जो घात है, पावर है, वो अगर 3 गुने पर है, 1 से कितना हो रहा है, पावर 3 हो रहा है, क्योंकि 4 का पावर 1 और 4 के पावर 3, तो पावर कितनी पर हो रहा है, 3 गुने पर पावर हो रहा है, यानी कि जो वर्ष भी है ये 3 गुने पर होगा, तो 7 तरी कितना हो गया, 21 वर्ष। समझ में आया, क्वेश्चन में ही कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में अपने का 4 गुना हो जा रहा है, यानी 1 रुपया रहा होगा तो 4 रुपया हो गया, तो वही धन अपने आप का 64 गुना कितने समय में हो रहा है। अगर मान लीजिए कि धन 1 रहा हो तो 7 वर्ष में कितना हो गया, 4, तो पावर 1 हो जाएगा। दूसरे कंडीशन में वो 64 रुपये हो रहा वही धन, तो 1 रुपये से 64 रुपये कब हुआ, जब 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौके 16 चौके 64 होगा, तो ये जब पावर शुरुआत में 7 वर्ष में 1 था, तो कुछ समय बाद जितने समय भी लगा उतने समय में अगर पावर 3 हो रहा है 4 का, तो यानी पावर 1 से कितना हुआ, 3, तो समय भी 1 से 3 लगेगा, तो यहाँ पर 3 का गुणा कर दीजिए, 21 आपका आंसर आ गया,
इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। कह रहा है यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है तो वही धन अपने आप का 81 गुना कितने समय में होगा। यही भी क्वेश्चन है, मान लेते हैं वो धन एक रहा होगा, वो धन 8 वर्ष में कितना हो गया, 8 वर्ष में अपने आप का 3 गुना यानी 3 हो गया। तो 3 के पावर कितना हो गया, 3 के पावर यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 3 के पावर 1 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वही धन सेम धन अपने आप का 81 गुना कितने समय में होगा। तो हम मान लेते हैं कि वही धन एक ही रहा होगा, तो एक धन कितने समय में, वर्ष पूछ रहा है आपसे, पता नहीं है कितने समय में, कितने समय में वही धन 81 हो जाता है। 81 को आप क्या लिख सकते हैं, 81 को अगर आप लिखना चाहें तो 81 को आप लिख सकते हैं 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 3 9 3 27 3 81 इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 के पावर 4। तो अगर आप देखें 3 के पावर 4 और 3 के पावर 1 यानी पावर 1 से 4 गुने पर पहुंच गया, तो समय भी तो 4 गुने पर पहुंचेगा, यानी इसमें 4 का गुणा कर दीजिए तो 8 6 32 वर्ष लगेगा 81 होने में, 3 से 81 होने में 32 वर्ष लगेगा, ठीक है। यानी कि 3 से 32 वर्ष इतना समय नहीं लगेगा, कहने का मतलब है कि उसको 64 गुना होने पर, 1 से 81 होने पर उसको 32 वर्ष का लगेगा समय, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन भी देख लीजिए, सेम तरीके से है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी हो सकता है। कह रहा है कि कोई धन 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो जाता है तो वही धन अपने आप का 128 गुना कितने समय में होगा। कोई धन मान लीजिए एक रहा होगा, वो 3 वर्ष में, 3 ईयर में, 3 ईयर में कितना हो जा रहा है, 8 गुना यानी 8 हो जा रहा है। तो वही धन यानी एक ही कितने समय में, टाइम आपसे पूछ रहा है, टाइम कितने समय में 128 हो जाएगा। 128 को क्या लिख सकते हैं, 128 को आप लिख सकते हैं 8 के, एक मिनट रुक जाइएगा, वैसे भी निकाल सकते हैं, इतना मतलब इतना ज़्यादा ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आप निकाल सकते हैं एक लाइन में भी, जो पहले हमने रूल बताया था, ठीक है, उसके बेसिस पर भी निकाल सकते हैं। बट चलिए कोई बात नहीं, जिस तरीके से भी निकाल सकते हैं उस तरीके से आप इसको, 2 के पावर 8 है ना, तो आप ये भी कर सकते हैं कि चलिए उसी तरीके से लगा देते हैं, थोड़ा सा एक तीनों तरीका बता दिया तो तीनों तरीकों को भी अप्लाई कर देते हैं। जैसे 1 से 8 कितने समय में हुआ, 3 वर्ष में, तो अगर 1 वर्ष की हम बात करेंगे, 1 वर्ष की बात करेंगे तो 1 के पावर कितना लिख सकते हैं, 1 के पावर हम कुछ भी लिख सकते हैं। 8 को हम क्या करेंगे, 8 को हम पावर में चेंज करेंगे तो ये 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा, और 1 के पावर भी 3, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। 1 के पावर 3 रखिए, 1 के पावर 10 रखिए, 1 के पावर 11 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस 1 के पावर 0 मत रखिएगा। 2 के पावर हम 3 लिख सकते हैं, तभी ना 2 2 4 2 8, तभी तो 8 आया, ठीक है, इसी को हमने यहाँ पर सॉल्व किया। तो 1 वर्ष में कितना हुआ, 1 के पावर 3, ये सॉरी 3 वर्ष में कितना हुआ, 1 के पावर 3 और 2 के पावर 3, तो 1 वर्ष में कितना समय लगे, कितना हो जाएगा, 1 से 2। अब यहाँ पर जब पावर में अगर आप देखें, पावर में अगर यहाँ पर पावर में कितना आया, पावर में आया 1, 1 वर्ष में पावर में कितना आया, 1 आया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 128 गुना हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 128। तो 128 होने में 1 से अगर आप देखें तो 128 को क्या लिख सकते हैं, 128 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 7। तो पावर में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर पावर में 2 के पावर 1 था, यहाँ पर 2 के पावर 7 था, कितने गुने पर है, तो 7 गुने पर है, कितने गुने पर, 7 गुने पर। तो समय भी आपका 7 गुने पर होगा, यानी समय भी आपका 1 × 7 = 7 वर्ष लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे किया हमने, कुछ नहीं किया, हमें जो मान दिया था 8 गुने पर 3 साल में, तो हमने 1 से 3 साल में 8 गुने पर पहुंचा दिया, यानी 8 हो गया। तो जब ये 3 साल पर दिया है तो हम इसको आसान कर लेते हैं, इसको हम आसान इस तरीके से करते हैं कि हम इसको 1 वर्ष के आधार पर निकाल लेते हैं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा ब्याज की दर इक्वल होती है, तो हम 1 वर्ष पर भी निकालेंगे, वो 3 वर्ष पर भी ब्याज की दर समान होगी, तो हम 1 वर्ष पर निकाल लेते हैं। तो अगर हम 1 वर्ष पर निकालेंगे तो हमें 1 वर्ष पर मिलेगा 1 से 2, यानी 2 के पावर 1 मिला। तो चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि वही धन अपने आप का 28 गुना कितने समय में हो रहा है, तो 28 गुना करने के लिए क्या करेंगे, 128 को हम कितने पावर लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 2 के पावर 7 हो रहा है, यानी कि 2 के पावर 1 से 2 के पावर 7 हो रहा है,
तो दो तो दो इक्वल है लेकिन पावर बदल रहा है, तो एक से सात हुआ यानी समय भी आपका सात गुने पर होगा। तो पहले बार में एक वर्ष लग रहा था, तो दूसरे बार में 1 × 7 = 7 वर्ष का समय लगेगा। ठीक है, तो आई होप क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो उसको शेयर करिएगा, जितने मन में क्वेश्चंस हो आप हो सकते हैं कमेंट का भी रिप्लाई दिया जाएगा। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 7, कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 3 था, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 3, और मैथ का जो क्लास चल रहा है उसका डे 7 है। इस तरीके से फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से हम सारे चैप्टर को कवर करा देंगे अच्छे तरीके से, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सभी एग्ज़ाम में, SSC, पुलिस, SI, रेलवे, UPTET, सभी एग्ज़ाम के लिए हम कवर करा देंगे। तो जो लोग भी चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और आने वाली क्लासेस की सूचना आप प्राप्त करते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।